नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शेफ़ कालू सिंह गुर्जर और एक नया आइटम लेके आ रहे हैं जो कि पेंट्री से है। पेंट्री से मीन्स कि जिसको हम बोलेंगे गारमंजर से, यानी कि कोल्ड सेक्शन से। कोल्ड सेक्शन में मैंने काफ़ी सारे सैलेड डाले। इससे पहले हमने वर्ल्ड्रॉफ सैलेड डाला था, देन सीजर सैलेड डाला था, देन आज और एक नया सैलेड लेके आ रहे हैं। काफ़ी सारे मैंने सैलेड काउंटर शॉर्ट वीडियो में भी डाल रखे, तो इसी चैनल पर आपको शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा विद इन प्रेजेंटेशन के साथ भी मिलेगा। तो इस वाले जो वीडियो में हम लेके आ रहे हैं कचुमर सैलेड लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर सैलेड है। बहुत अपन इजी तरीके से बना सकते हैं, हर पार्टी में अपन चॉइस करते हैं, आउटसाइड खाना खाने जाते हैं वहाँ भी हम सबसे पहले सैलेड का ऑर्डर करते हैं। तो कचुमर सैलेड आप घर पर इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं, आपको क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स इसके लिए प्लान करना पड़ेगा, कैसे आप इसको प्रिपेयर करके बना सकते हैं, देन इसको बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, देन आप डिनर में, लंच में, देन आप वैसे भी सैलेड खा सकते हैं। काफ़ी हेल्थी आइटम है नेचुरल वेजिटेबल्स के साथ में, तो इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ में, यानी कि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उसके साथ में आज हम कचुमर सैलेड बनाएंगे। कैसे हमने इसको कट करना है, देन हमने कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, देन हमने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स देंगे। तो पहले इन्ग्रीडियंट्स बता देता हूँ, देन हम कट करेंगे, देन उसके बाद कचुमर सैलेड बनाएंगे। इन्ग्रीडियंट्स में आपको पता ही है कचुमर सैलेड में बेसिक्स है, ये हमारा कैबेज है, कैरेट है, ग्रीन कैप्सिकम है, येलो कैप्सिकम है, टमेटो है, ऑनियन है, और ये हमारा कुकुम्बर है। कुकुम्बर के साथ देन ये हमारा सैलेड ऑयल है, देन ये लेमन है, लेमन जूस का में हम यूज़ करेंगे, देन ये चाट मसाला हो गया, देन ये कोरिएंडर फाइन चॉप हो गया, ग्रीन कोरिएंडर, देन ये वाइट सॉल्ट हो गया। ये इत जस्ट छोटे से इंग्रेडिएंट से, छोटे सी रेसिपी से बड़ा सारा हम सैलेड बना सकते हैं। काफ़ी सारी फैमिली है, अगर आप तो आप उसमें भी बना सकते हैं। ये सारे सैलेड के साथ साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सबसे पहले आपका जो ये है कुकुम्बर है, देन ये है, तो ये सारे हम लोग पिल कर लेंगे। तो पिल भी आपको पता ही है, ये एक जो छोटा सा जो पिलर होता है आपको पता है, ये हो गया इस तरीके से आपको पिल कर लेना है, ये इजी तरीके से जिसको हम पिलर बोलेंगे, पिलर मार्केट में अवेलेबल है। इसकी खीरा, देन उसके बाद ये कैरेट भी हमने इसी तरीके से पिल कर लेना है। ये तो ये सारा हमने पील कर लिया, देन उसके बाद कट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो कुकुम्बर यानी कि खीरा जो कट करेंगे, यानी कि हम दोनों साइड से उसको कट कर लेंगे, देन हम इसका जो सीड्स है यानी कि सीडलेस करेंगे इसको। ये इस तरीके से हमने इसको आउट कर देना है, देन उसके बाद हमने इस तरीके से चंक्स में यानी कि स्क्वायर साइज में इस तरीके से कट कर लेना है। खीरा कट किया, देन अब हम को किसी भी एक बॉल में ऐसे डीप कर देंगे, डीप बॉल में ऐसे डालेंगे। खीरा काटने के साथ साथ देन हम कैरेट काटेंगे, तो कैरेट भी हम ऐसे इसी तरीके से काटेंगे, यानी कि जो साइड्स का है वो लेंगे, बीच का जो कैरेट का है इसको आउट कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वो, ये भी हमने ऐसे ही काट लेना है। आपको ऐसे ही काट लेना है, देन ये हमारा जो बॉल्स है उसमें डाल देंगे, देन थोड़ा सा ये हमारा ग्रीन कैप्सिकम हो गया, कम काट लिया हमने इस तरीके से, देन ये येलो है। आप वेल पेपर जिसको हम बोलेंगे वेल पेपर भी यूज कर सकते हैं कचुमर सैलेड में, देन ये हमने येलो कैप्सिकम भी इसी में मिक्स कर दिया। ऑनियन को भी हमने क्या करना है साइड में कट कर लेना है, देन इस तरीके से ये हमने इस तरह थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट इस तरीके से खोल देना है ऑनियन को, ये ऐसे ऑनियन भी इसी में डाल देना है। देन लास्ट हमारा जो ये टमाटो है, टमाटर भी हमने डी सीड यूज करना है, जो हमारा ये सीड्स है ये हमने आउट कर देना है टमाटर का, ये ऐसे
सीड्स हमने यूज नहीं करना है, उसके बाद ऐसे काट देना है आपको ये। इसमें ऐसे काट के डाल दिए, देन लास्ट में बचा हमारा जो कैबेज है, यानी कि कैबेज, ये थोड़ा सा हम कैबेज ले लेंगे। कैबेज का भी जो विड्थ का जो पार्टीशन होता है वो हमने यूज नहीं करना है। ये हो गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सैलेड ऑयल यूज करना है हल्का सा, यानी कि एक पोर्शन सैलेड में हमने, यानी कि ये 5 ml हमने यूज करना है ऑयल, 5 ml सैलेड ऑयल यूज करेंगे। जो सॉल्ट हो गया हमारा वाइट सॉल्ट के बाद, देन ये हमारा ग्रीन कोरिएंडर हो गया, इस तरीके से ये हमारा ग्रीन कोरिएंडर हो गया डाला। और लास्ट में हमने क्या करना है, ये लेमन जूस, लेमन ऐसे इस तरीके से आपको वो कर देना है। ये हो गया, ये हमने एक लेमन का पूरा जूस निकाल देना है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपके पास ग्लव्स है तो आप ग्लव्स भी यूज करोगे, अगर आप ग्लव्स नहीं है तो इस तरीके से आप इसको मिक्स करोगे, ये ऐसे ऐसे मिक्स करते रहोगे आप इसको कंटिन्यू। ये हमारा कचुमर सैलेड हो गया इस तरीके से। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि हमने इसको स्पाइस करना है, स्पाइसी करना है, अगर कचुमर सैलेड आपको लगता है कि हमने तो स्पाइसी चाहिए होता है, कचुमर सैलेड थोड़ा स्पाइस होना चाहिए, वैसे बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ कचुमर सैलेड होता है जो, उसमें हम स्पाइस यूज नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें देन आप जो चिल्ली पाउडर वो यूज कर सकते हैं, देन अगर आपको और भी ज़्यादा स्पाइस चाहिए या तो ग्रीन चिल्ली भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। देन इसके बाद आपको मैं एक प्यारी सी प्री प्लेट में आपको, यानी कि प्लेटिंग के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ। तो ये हमारा कचुमर सैलेड बन के रेडी हो गया। तो अभी प्लेट हमने कैसे करना है, ऐसा जो प्लेट सजाया हुआ है उसको हम ऐसे सर्व करेंगे इसमें इस तरीके से। होटल स्टाइल में जिसको हम बोलेंगे, इस तरीके से आप इसको इजी तरीके से बना के, जिसको हम कचुमर सैलेड प्रिपेयर करके बोलेंगे, तो आप इजी तरीके से, आपको मैंने बताया इंग्रेडिएंट्स बताया, सारे अप्स बताए, देन सैलेड ऑयल भी बताया, काफ़ी हेल्थी है, स्पाइस नहीं जाता है इसमें। हमने बहुत सी जगह देखा है कि जो कचुमर सैलेड होता है वो स्पाइस होता है, तो स्पाइस हम उसमें यूज नहीं करते हैं। तो देन उसके अकॉर्डिंग आप भी इस तरीके से हेल्थी, जिसको हम बोलेंगे कचुमर सैलेड, यानी कि काफ़ी जो पॉपुलर सैलेड है कचुमर सैलेड हमारा, तो इस तरीके से आप बना के खा सकते हैं, देन इन्जॉय कर सकते हैं। इन्जॉय के साथ साथ आपको पता है मेरे चैनल, अगर आप भी अभी भी आपने अगर सब्सक्राइबर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करें, उसके साथ साथ देन इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच।